नमस्कार, मैं उजी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंध बसौदा विकास खंड के ग्राम मुरोदा में हुआ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। शिक्षकों को नहीं पता कि झंडा कैसे फहराया जाता है। गंध बसौदा विकास खंड क्षेत्र के ग्राम मुरोदा में प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला के संयुक्त तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुए ध्वजारोहण में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। स्कूल के टीचर द्वारा किए गए एक झंडा वंदन में राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया गया। झंडा वंदन के उपरांत देखा गया कि केसरिया रंग ऊपर की जगह नीचे था। जब यह जिम्मेदारी अध्यापक से पूछा गया जब जिम्मेदार अध्यापक से पूछा गया कि झंडा उल्टा है, तब अध्यापक ने उल्टे झंडे को ही सीधा बता दिया। अध्यापक को यह भी जानकारी नहीं थी कि झंडे में कौन सा कलर ऊपर होता है और कौन सा नीचे। इसके बाद पास में खड़ी एक शिक्षिका ने बताया कि सर झंडा उल्टा है, तब जाकर शिक्षक ने तिरंगे को ठीक करवाया। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मडावी विदाऊ ने बताया कि यह बहुत बड़ा मामला है, इसमें शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और मैं जिला में भी लिख कर दूंगा। और जिस किसी स्कूल ने डंडे पर झंडा बांध के अपना कर्तव्य निष्ठा से काम नहीं किया है, उन शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी इनको नोटिस देने की प्रक्रिया चल रही है। जो शिक्षक दोषी होंगे सभी पर कार्रवाई की जाएगी। विदिशा गंध बसौदा से आशीष सहेले की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। शिक्षक को लगता है इस बात का ज्ञान ही नहीं है अभी तक के कि झंडा उल्टा और सीधा कैसा होता है। और यदि आपके द्वारा बताया गया था और एक शिक्षिका के द्वारा भी कहा गया था तो उनको उसी समय सीधा फहराना चाहिए था, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया, और इसके लिए उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय को मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। जो भी उचित कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी समझेंगे वो करेंगे।